पार्टी अब कमल के निशान पर लड़ेगी। वीके सिंह जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनेगा यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, पहले देश उसके बाद सब कुछ जी। तो ये विचारधारा जब मिलती है तो लोगों के अंदर वैसे ही जोश होता है। सिर्फ झूठे वायदे के ऊपर जिंदा रह रही हो ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। देश सर्वोपरि, बाकी सब उसके बाद में। राजसमंद के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, क्या कहता है राजसमंद, क्या कहता है राजस्थान? भाजपा अपना कोई चेहरा तय नहीं कर पा रही है। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा भी चार दिशाओं से चल रही है, अलग अलग नेता, मगर एक कोई नेता ऐसा नहीं है जो राजस्थान में ये माना जाए कि प्रदेश की राजनीति में यह चेहरा होगा। आप यहाँ जैसे उतरे हैं सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिलते हैं, यहाँ आर्मी के लोग आ रहे हैं, ये आर्मी का बड़ा क्षेत्र है, तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए आप? कैसा लग रहा है? आर्मी की एक विचारधारा है और वो विचारधारा है देश सर्वोपरि, बाकी सब उसके बाद में। इसी तरह फौज की एक विचारधारा है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, पहले देश उसके बाद सब कुछ जी। तो ये विचारधारा जब मिलती है तो लोगों के अंदर वैसे ही जोश होता है। ये जो क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से फौजियों के लिए माना जाता है, सेना में काम करने वाली बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र, क्योंकि पिछली बार ये कांग्रेस के पाले में गया था, वीके सिंह जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनेगा यहाँ? बनेगा। आज सुबह से मैं जवाब नहीं दूंगा। आज सुबह से आप परिवर्तन यात्रा में जुड़े हुए हैं, राजसमंद के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, क्या कहता है राजसमंद, क्या कहता है राजस्थान? राजसमंद और राजस्थान सब ये कहता है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो निकम्मी हो, जो भ्रष्ट हो, जो हमारी माताओं बहनों का इतना देखती हो, जो हमारे युवाओं का इतना देखती हो, जो हमारे किसानों का इतना देखती हो, सिर्फ झूठे वायदे के ऊपर जिंदा रह रही हो, ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। यही कहते हैं ना सब लोग, सही बात है, सही बात है। ऐसी बात में बोलोगे तो क्या फायदा है? बिल्कुल सही सर। मगर भाजपा अपना कोई चेहरा तय नहीं कर पा रही है। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा भी चार दिशाओं से चल रही है, अलग अलग नेता, मगर एक कोई नेता ऐसा नहीं है जो राजस्थान में ये माना जाए कि प्रदेश की राजनीति में यह चेहरा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, उसको पहचानिए। अगर किसी प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री होता है और चुनाव आते हैं, हम उन मुख्यमंत्री को लेके वो चेहरा बन जाता है। अभी हमारी पार्टी पावर में नहीं, कोई मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, पार्टी के अंदर सभी लोग हैं, तो पार्टी अब कमल के निशान पर लड़ेगी। जो जब चुनाव हो जाएंगे, जो समर्थ होगा, जो अच्छा होगा, जो जनता में जिसका भरोसा होगा, जनता को जिस पर भरोसा होगा, वो चीफ मुख्यमंत्री बने। आखिरी सवाल की भारतीय जनता पार्टी ये तीसरा एक बड़ा अभियान लेकर चली है, जिसमें पहले जनाक्रोश यात्रा निकली थी, फिर नहीं सहेगा राजस्थान, और अब परिवर्तन यात्रा। मगर लोगों का कहना है कि उस तादाद में संख्या नहीं आ रही है, जनसमूह नहीं आ रहा है जिस तादाद में आना चाहिए, जिसकी उम्मीद की जाती है। मैं तो कल से चल रहा हूँ, मुझे तो आदमी आदमी दिखाई दे रहे हैं, अब जिनको नहीं दिखाई देते उनका मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखा आपने, बड़े स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां फौजियों का क्षेत्र कहा जाता है, ये क्षेत्र को माना जाता है कि आर्मी के जुड़े हुए लोगों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आकर अपनी बात कही है और कहा कि राजस्थान इस बार परिवर्तन चाहता है, राजसमंद इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ने वाला है। ये तमाम चीज़ें धरातल पर किस प्रकार से उतरती है वो देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।